ChatGPT यूज कर लो, BARD यूज कर लो, वो सब मैं ऑब्वियस बातें नहीं बताने वाला। पांचवा टूल है ना जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो आपका शायद दिमाग थोड़ा सा हिला देगा। गाइस आज के इस क्विक वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो कि सारे के सारे कोडर्स को इन माय ओपिनियन सीखने चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करूंगा पहले टूल से, और पहला टूल है कोई AI कोड हेल्पर। इट कैन बी GitHub Copilot, इट कैन बी Replit AI, इट कैन बी Amazon Code Whisperer, Tab9, बट सम सॉर्ट ऑफ AI कोड हेल्पर। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वहां पर बात करी है कि इस तरह के टूल्स को आप लोग यूज मत करो, क्योंकि जब आप एक बिगिनर होते हो, चीजें सीख रहे होते हो, तब आप लोग अगर इस तरह के AI टूल से सारा काम करवा लोगे तो खुद क्या सीखोगे। वहां मेरी मेंटालिटी सिर्फ इतनी होती है कि यार आपको बेसिक से सब कुछ सीखना चाहिए, और अगर आप लोग बेसिक से सब कुछ नहीं सीख रहे हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक्स आते हैं और आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट अस से आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप एक चैट ऐप बना रहे हो, या फिर आप लोग फेसबुक मैसेंजर जैसा कुछ बना रहे हो, या फिर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में जो कि से वीडियो कॉल करवाती हो, इट कैन बी एनीथिंग। क्योंकि एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पर काम करता है, मैं आप लोगों को एक बार दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग कोड को भूलोगे, सिंटैक्स को भूलोगे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द सिंटैक्स ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑल द क्लासेस एंड फंक्शन एट द सेम टाइम। नहीं पॉसिबल होता है यार। और ऐसे में काम आता है AI। आप AI से कह सकते हो कि भाई मेरी मोंगूस क्वेरी बनाओ, मैं ये करना चाहता हूं, वो बना देगा। आप आधा कोड लिखोगे वो पूरा करा देगा। क्या चीज वो नहीं कर सकता? इनोवेशन वो आपको लानी है, आपका टाइम बचेगा। मैं जितने टाइम में पहले कोडिंग करता था, आज की तारीख में मैं इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके कभी कभी हाफ और कभी कभी मैं कहूंगा 1/4 टाइम में भी अपनी ऐप को बना डालता हूँ। GitHub Copilot बढ़िया है, GPT-4 यूज करता है, Replit का AI बहुत कमाल का है। और Replit में एक चीज आप लोगों को और मिलती है कि आप लोग मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हो। अब आई एम नॉट अ पर्सन जो कि फोन में कोडिंग रेकमेंड करे, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है कि आप इधर उधर जा रहे हो, जेब से आपने फोन निकाला, एक अच्छा रिलायबल एनवायरमेंट आपको मिल गया। मैं कोई ऐसी ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें क्रैश हो जाएगा और आपका कोड डिलीट हो गया, ये हो गया। एक बहुत ही रिलायबल ऐप जिसको मैं यूज कर सकता हूँ और वापस से फिर अपने कोड को पकड़ सकता हूँ अपने कंप्यूटर में आने के बाद कि भाई अब मैंने इतना इतना कर लिया, यार कम से कम मैं टू डूज ही डाल दूं अपने कोड में, फिर घर आके मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं। मेरा अपॉइंटमेंट है मान लो कहीं पर, मैं गया वहां पर, या मैं कुछ खाने गया, या मैं थोड़ी हवाई खाने चला गया, या मैं जिम चला गया, या मैं कहीं भी ऐसी जगह चला गया जहां मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट लेने गया हूं। अब मुझे लगता है कि यार हां थोड़ा ज्यादा एंटरटेनमेंट ले लिया मैंने, जेब से फोन निकाला, थोड़ा बहुत अपने कोड पे काम कर लिया, अब घर आ गया और वहां से पकड़ लिया, तो टाइम बचाया जा सकता है। यार कभी कभी हम सब ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे हमें लगता है यार कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे में ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। अब आप में से कई लोगों को ये एग्जैगरेशन लगेगा, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि ऐसा कई बार होता है कि आप काम करना चाहते हो, चाहकर भी नहीं कर पाते हो, Replit की ऐप से आप कर पाओगे। फिर ये कोड विस्परर हो गया, Tab9 हो गया, कोडियम AI हो गया, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, इनको आप लोग ट्राई आउट करना और खुद ही आपको पता चलेगा कैसे हैं। मैं यहाँ पे हर टूल की तारीफ बैठ के नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट आपको ये बताऊंगा कि जाके कम से कम ट्राई आउट तो कर ही लेना इन सारे टूल्स को, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ने ही वाली है। फिर जो दूसरा आइटम है वो है ऑफिस सूट का इस्तेमाल करना। आप लोग किसी ना किसी टाइप का ऑफिस सूट का सब्सक्रिप्शन लो, जैसे कि मान लो आपके पास 20 GB 30 GB की क्लाउड स्टोरेज अगर पड़ी हुई है, तो वहां पर आप कम से कम अपनी एसेट्स के लिए और अपनी किसी भी चीज के लिए क्लाउड स्टोरेज रखोगे। आप वहां पर सिर्फ उतना डेटा रखो जो कि आपके लिए मैटर करता है, वो हो सकती है आपकी एसेट्स, मे बी कुछ और चीजें जो कि आप रखना चाहते हो। हार्ड ड्राइव में अगर आप लोग रेड बना के भी रखते हो तब भी यार देखो गुम जाती है हार्ड ड्राइव, या आपके हाथ में एक्सेसिबल नहीं रहती है। और ऐसे में अगर आप लोग इस तरह की किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लोगे तो काफी आपको फायदा होगा। WPS एक सूट ऑफ ऑफिस प्रोडक्ट्स है जो कि आप लोगों को राइटर देता है, स्प्रेडशीट देता है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे टूल्स देता है जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं आप लोगों की प्रोडक्टिविटी में। फिर आप लोगों को PDF के लिए टूल्स मिल जाते हैं जो कि आपको PDF वगैरह एडिट करने में बहुत हेल्प करते हैं, वो भी बहुत ही कॉम्पेटिटिव प्राइसिंग में। WPS का एक स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और WPS प्रो आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को PDF के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन, नॉट डिवाइसेस में आप लोग इसको यूज कर सकते हो, उसी के साथ साथ 20 GB की क्लाउड स्टोरेज एट दिस प्राइस, जो कि इतनी कॉम्पेटिटिव प्राइसिंग के साथ आता है कि इट इज गोइंग टू बी बैंग फॉर योर बक। तो अगर आप लोग भी WPS को ट्राई आउट करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए वो लिंक को चेकआउट कर लेना। WPS के प्रोडक्ट्स में AI भी इंटीग्रेटेड है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ WPS ऑफिस को। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड जरूर करना और मुझे बताना कि यार इसका AI आप लोगों को कैसा लगा। सो आप लोग ट्राई करना WPS ऑफिस को। और अगले टूल की तरफ मैं चलूंगा जो कि है गेट एंड गिटहब। जैसे ही कोई गेट एंड गिटहब सुनता है उनके दिमाग में ये आता है यार ये मुझे नहीं आता, मुझे टाइम लगेगा, मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, गेट गिटहब के चक्कर में क्यों पढ़ूं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग गेट गिटहब के चक्कर में तो मत पढ़ो, लेकिन आप लोग गिट को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो यार आज की तारीख में। गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करो, एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया है कि जल्दी से जल्दी गिटहब पे कोड को कैसे पुश करना है। मत सीखो कमांड्स गिट के यार, फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अपने कोड को तो पहुंचा दो गिटहब तक, इतना तो सीख लो। मुझे नहीं लगता इतना सीखना कोई भी आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, या फिर आपको इसका अगर आलस आ रहा है तो देन यू आर जस्ट लेजी। आपको अगर इसका आलस आ सकता है तो आपको से उठ के पानी पीने का भी आलस आ सकता है, आपको सुबह सुबह ठंड में बिस्तर से निकलने का भी
आलस आ सकता है, ये उसी तरह के आलस में काउंट करूंगा इसको मैं। तो गिट का इस्तेमाल करो, अगर नहीं करते हो तो आज से ही करना शुरू करो। गिटहब डेस्कटॉप को सीखो और अपने कोड को चढ़ाना शुरू करो, कोलैबोरेट करना शुरू करो। आपको पता चलेगा चीजें कितनी आसान हो जाती हैं जब तीन चार लोग एक साथ एक कोड बेस पे काम करते हैं। कभी कभी आप कुछ अच्छा बना के पब्लिक भी कर देते हो ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाते हैं लोगों के। आप जानते भी नहीं होगे किस किस के, बट कॉन्ट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, ऐसे मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनकी जॉब लगी है, जिनको फ्रीलांसिंग वर्क मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत धमाल मचाया अपनी अच्छी गिटहब रिपोस को लेके। तो कुछ बनाओ अच्छा, गिट एंड गिटहब पे डालो, और अगर आपको लगता है आपने बहुत बेसिक सा बना दिया बट वो कुछ पर्पस सॉल्व कर रहा है, डालो यार, क्या मालूम कि आपका बनाया हुआ किसी के इतने काम का हो। सिंपल होने के बावजूद भी आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाए। फिर आप लोग प्राइवेट तो रख ही सकते हो कोड को यार, अगर आपको प्राइवेट रखना है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गिट का इस्तेमाल करो, गिटहब का इस्तेमाल करो, कोड शेयर नहीं करना चाहते हो प्राइवेट करो, बट करो यार इस्तेमाल। इसके बाद जो मैं चौथा टूल आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है कोड पेन। और कोड पेन मुझे काफी पसंद इस लिहाज से लगता है कि यार आप लोग कोड पेन का इस्तेमाल करके अपने HTML CSS JavaScript apps को शेयर कर सकते हो। अब अगर मान लो आप लोगों ने HTML CSS JavaScript में क्यूब बना दिया और आपका क्यूब जो है रोटेट होता है ट्रैक करने से, आपको शेयर करना है। ट्रेडिशनली अगर आपको करना है कोड बेस लिखोगे, एक फोल्डर बनाओगे, मे बी जिप भेजोगे। जिप भेजने से तो मुझे इतनी ज्यादा चिढ़ना, क्योंकि जिप भेजने का हमेशा कोई ना कोई एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। तो जिप बहुत ही कम केसेस में भेजो यार। आपको अगर कोड भेजना है तो जिस्ट का इस्तेमाल करो। गिटहब में एक जिस्ट का फीचर होता है gist.github.com, उसको एक्सप्लोर करो कैसे छोटे से छोटे कोड स्निपेट्स आप लोग भेज सकते हो। लेकिन कोड पेन से फायदा यह होता है कि आप लोग HTML CSS JavaScript अलग अलग लिख सकते हो, और HTML CSS JavaScript अलग अलग लिखने के बाद आप लोग बड़े आराम से उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के साथ साथ आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कोड पेन के। फ्री वर्जन तो यार कम से कम इस्तेमाल करना शुरू करो, लेआउट्स बनाओ, शेयर करो लोगों के साथ, वहां भी आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है यार। कोड पेन की भी अच्छी खासी अच्छी कम्युनिटी है। और मान लो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग सिंपली स्टैक ओवरफ्लो पे जाकर अपने कोड पेन का लिंक डाल सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो भी इस्तेमाल करो। मुझे पता है ChatGPT आ गया, मैंने इस वीडियो में ChatGPT की बात नहीं की, बिकॉज दैट्स ऑब्वियस यार, आई नो आप सभी को पता है ChatGPT के बारे में कि यार ChatGPT यूज कर लो, Bard यूज कर लो, वो सब मैं ऑब्वियस बातें नहीं बताने वाला आपको इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो चीज जिसकी बात शायद लोग नहीं कर रहे हैं, और उनमें से एक है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो को यूज इतना कम कर दिया है लोगों ने। स्टैक ओवरफ्लो आप इस्तेमाल करते हो ना तो रियल डेवलपर्स बात करते हैं आप लोगों से आकर। आप लोगों से रियल डेवलपर्स बात नहीं करेंगे ChatGPT में। ChatGPT AI है, डेटा को देख के आपको बताएगा कुछ भी जिसकी गारंटी भी नहीं है कि वो सही हो कि नहीं। इसलिए स्टैक ओवरफ्लो का इस्तेमाल करो, जिस्ट का इस्तेमाल करो, अपने गिटहब कोड को शेयर करो, JS Fiddle का इस्तेमाल करो। JS Fiddle कोड पेन का एक ऑल्टरनेटिव है, बट मुझे पर्सनली कोड पेन ज्यादा बढ़िया लगता है। बट आप इस्तेमाल करना शुरू करो, ये नहीं कि आपको यार पता ही नहीं इतना बड़ा कोड है मेरा कैसे शेयर करूं मैं। और ये सब चीजों को आप इस्तेमाल करोगे तो रियल डेवलपर से मिलोगे, इंसानों की प्रॉब्लम को समझोगे। सिर्फ AI में ही मत घुसे रह जाओ कि यार सब कुछ ChatGPT से ही पूछना है, Bard से ही पूछना है। स्टैक ओवरफ्लो पे भी थोड़ा बहुत टाइम बिताओ, लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स को पढ़ो कि रियल ह्यूमंस क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद जो पांचवा टूल है ना जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो आपका शायद दिमाग थोड़ा सा हिला दे। आप कहोगे यार ये क्या बात कर रहे हो यार हरी भाई। पांचवा जो टूल है वो है मेक योर ओन टूल। अब आप कहोगे यार ये क्या बोल दिया, कैसे बनाऊं मैं अपना टूल, मुझे तो आता ही नहीं बनाना, मुझे तो कोडिंग ही नहीं आती यार, मैं तो यूज करता हूं टूल, मैं तो यूज करने वाला हूं। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को खत्म करना है कि यार मैं तो सिर्फ टूल यूज करने वाला हूं, कोई और बना दे मैं यूज कर लूं, एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लूं, VS कोड में एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूं, प्रीमियर प्रो में एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूं, खुद मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। क्योंकि एक्सटेंशन बनाने वाले तो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनका मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसी सोच आपको निकालनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते, एक्सटेंशंस बनाना बहुत आसान होता है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, देखो कैसे बनाना है, एक बहुत ही बेसिक सी एक्सटेंशन बना लो जो कि अलर्ट करे। लेट अस से एक चीज, अगर आप क्रोम एक्सटेंशन की बात करो तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, टेम्पलेट से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, और वहां से एक बहुत ही बेसिक सा जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करके आप लोग शुरुआत कर सकते हो। मान लो आपने कोई जावास्क्रिप्ट लिखी जो कि कुछ काम करती है, और आप लोग चाहते हो उस जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल किया जाए एक UI से, तो उसमें जो क्रोम एक्सटेंशन की टेम्पलेट है उसमें आप लोग को मिल जाएगा कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा है जो कि यूजर को दिखेगा, वहां के बटन्स पर क्लिक करके क्या होगा, और आपके वेब पेज पर वो किस तरह से जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेगा। अब क्रोम वेब स्टोर पे तो एक्सटेंशन को चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप लोकल कंप्यूटर पे चढ़ा सकते हो, और डेवलपर मोड पे जाके इंस्टॉल भी किया जा सकता है एक्सटेंशन को बड़ी आसानी से। आप लोगों को सिंपली जो अपनी एक्सटेंशन है उसको शेयर करना है एज अ zip फाइल या थ्रू GitHub या कैसे भी करके आप शेयर कर सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा zip फाइल्स का शेयर करना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है, मैं या तो GitHub का इस्तेमाल करना चाहूंगा या किसी और सर्विस का इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेकिन zip फाइल भेज दो इफ दैट्स कन्वीनियंट फॉर यू। और उसके बाद अपने यूजर को zip फाइल भेजकर आप उनके कंप्यूटर में एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा के उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, ये चीज आप GitHub के थ्रू कर सकते हो। ChatGPT को आप लोग लगा सकते हो, ChatGPT की API यार बहुत सस्ती है। अब आपको सस्ती क्यों है यार, $5 लगते हैं पूरे के पूरे, फिर API की मिलती है। अरे भाई $5 लगते हैं तो उसके बाद मिलता भी तो है आपको API यूज करने को, और वो कितने बढ़िया बढ़िया मॉडल्स रखे हुए हैं OpenAI के उनके सर्वर पे कि आपको इतना अच्छा इन्फरेंस देते हैं, इतने अच्छे टाइम में आप लोगों को चीजें करके देते हैं, उसका क्या, वो आप लोगों को मिलते हैं इतने कम दाम में। आप हर चीज पे पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन आप जब API की लेने की बात आ रही है तो आपको फ्री ट्रायल चाहिए, फ्री चाहिए। मैं वीडियोस बनाता हूं जब जिसमें OpenAI की API की यूज हो रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार
हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्टूडेंट हैं। यार आप तो पिज्जा खा रहे थे पिछले हफ्ते बैठ के, वो तो 600-700 रुपए का वाला पिज्जा था ही ना, और ओपन एआई की एपीआई के लिए पैसे नहीं होते आपके पास। यार थोड़ी सी सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपके जियो का रिचार्ज होता है मोबाइल में कि नहीं, आप उठा के देखो फोन अपना है रिचार्ज ना, तो उसके लिए भी निकालो पैसे, क्योंकि यार वो चीज आपको सिखाएगी, एक बेटर डेवलपर बनाएगी जब आप ओपन एआई की एपीआई यूज करके चार जीबीडी के जो एपीआई वगैरह है, जीबीडी 3.5, जीबीडी 4, इन सब मॉडल्स में अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट डाल के डायनामिकली जो है डेटा को फेच करा के अपनी एक्सटेंशन में यूज करोगे, तो हु नोज आप एक सास प्रोडक्ट भी बना लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग आज से शुरू करो एक सास प्रोडक्ट बनाना, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की मेंटेलिटी तो ये होनी चाहिए कि यार मैं भी कर सकता हूँ। एक्सटेंशन की टेम्पलेट्स उठाओ, थोड़ा बहुत कोड उसमें इंजेक्ट करो, इधर उधर करो। आप लोग एक बनी बनाई एक्सटेंशन ले लो गिटहब से, उसको उठाओ, वहां से ऑल्टर करना शुरू करो। वहां पर एआई यूज नहीं हो रहा है तो आप लोग अपनी ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ओपन एआई पे जाएगा और ओपन एआई से जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ ना कुछ आपके वेब पेज पे करेगा। कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्लगइन्स को बनाना स्टार्ट करो, उनकी टेम्पलेट्स उठाओ, आपको मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू डू सम वर्क, आपको गिटहब से टेम्पलेट उठानी है और वहां से काम करना शुरू करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस जो सोच होती है वो आपको वहां तक लेके जानी है, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और आप सैस भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट बनाकर पैसे भी कमा सकते हो। आप फाउंडर बन सकते हो एक नेक्स्ट सैस स्टार्टअप के। तो एक छोटी शुरुआत करो और अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्लगइन्स को बनाना स्टार्ट करो। आई होप कि आप लोगों को ये जो 5 टूल्स मैंने बताया और ये जो डिस्कशन है इनसाइटफुल लगा होगा। अगर लगा तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।